खरगोन जिले के महेश्वर स्थित नर्मदा तट पर देश की पहली कैनो सैलालॉम कोर्स का प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने लोकार्पण किया। उन्होंने 14 मार्च तक चलने वाली राष्ट्रीय कैनो मैराथन और सैलालॉम मैराथन चैंपियनशिप के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। चैंपियनशिप में 17 राज्यों के लगभग 250 खिलाड़ी और ऑफिसियल्स भागीदारी कर रहे हैं। खेल मंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर भारतीय क्याकिंग क्यूइंग संघ के अध्यक्ष एस रघुनाथन मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मां नर्मदा के बीच ऐसा अभूतपूर्व कोर्स की देश में पहली बार शुरुआत हो रही है जो क्याकिंग कैनो और स्लालम खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने जर्मनी में इस खेल की उपलब्धियों का हवाला देते हुए बताया कि कैनो स्लालम कोर्स की बारीकियों को जानकर इस खेल का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में करने के लिए पिछले दिनों खेल और युवा कल्याण के संचालक उपेंद्र जैन ने जर्मनी का दौरा किया। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है आज आप लोगों के बीच मां नर्मदा के बीच ऐसी दृष्टि मुझे दिख रही है जो सिर्फ आंखों के लिए पर जो दिल खुश हो जाता है वो आज हो रहा है। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष रुचि के चलते खेलों के विकास में मध्य प्रदेश तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कोर्स के शुभारंभ पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के साथ साथ महेश्वर में स्थानीय लोगों को जहां रोजगार के अवसर मिलेंगे वहीं पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्रतियोगिता स्थल के विकास में सराहनीय योगदान के लिए जिला प्रशासन और खेल विभाग मध्य प्रदेश की प्रशंसा की। हम लोग यहाँ सिर्फ एक प्रदेश की इंटरनेशनल की कंपटीशन की बात न करें, एक राष्ट्रीय कंपटीशन की बात न करें, तो जैसे कुशवा जी और रघुनाथन जी ने कहा एक अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम यहाँ करें। इससे हमारे महेश्वर के आजू बाजू के गांव वालों को भी थोड़ी सी अपनी भी मेहनत और अपने भी बिजनेस के लिए कुछ काम मिलेगा। इस मौके पर खेल और युवा कल्याण विभाग के संचालक उपेंद्र जैन, भारतीय क्याकिंग क्यूइंग महासंघ के महासचिव वीएस कुशवाहा, कलेक्टर नीरज दुबे, पुलिस अधीक्षक अमित सिंह सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और खिलाड़ी मौजूद थे। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।